लो अल्लाह ये तौफीक देता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अल्लाह करे कि हम लोग ऐसी चीज़ों से बचें और अपने ईमान को मजबूत करें और इंसानियत बचाएं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान शनिवार को अजमेर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं जियारत के बाद फारूक अब्दुल्ला ने दरगाह स्थित अकबरी मस्जिद में नमाज भी अदा की। फारूक अब्दुल्ला को दरगाह के खादिम फकरे मोइन ने जियारत कराकर दरगाह का तबरुक भेंट किया। देखिए, ये अल्लाह की तरफ से हम लोगों के लिए ये जो हुक्म आते हैं ये हमें जगाते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते से बहुत दूर जी, और फिर उसका गज़ब आता है जी। ज़रूर बड़ा बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है वहाँ पर जानी माली जी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पहली दफ़ा पहला जहाज़ जो वहाँ इमदाद दे कर गया वो हमारे वतन का था। वहाँ पे उन्होंने कई लोगों को जिंदा उस मलबे से निकाला है, बहुत बड़ी चीज़ है जी। मैं समझता हूँ हमें हर वक्त और अल्लाह ये तौफीक देता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अल्लाह करे कि हम लोग ऐसी चीज़ों से बचें और अपने ईमान को मजबूत करें और इंसानियत पर चलें। जब कोई मज़हब बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, मज़हब बुरा नहीं है, और हमें मज़हबों की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें वतन है आबादी की लड़ाई। कैसे हम लोग सब इकट्ठे चलें, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी है, जो इस वतन का बादशाह है। नफरतों से देश नहीं चलेगा, मोहब्बत से देश चलेगा, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं आज गरीब नवाज की दरगाह पर पेश हूँ कि मांगो इनसे कि अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करें कि हमारे वतन को इस मुश्किल से निकालें, हम में भाईचारा रहे, हम में हम आहंगी रहे, और हम लोग तरक्की करें इकट्ठे और इस मुल्क को इस बहरान से निकालें जिसमें आज हम पड़े हुए हैं। आज हमारे बच्चे बच्चियाँ बेकार बैठे हुए हैं, बहुत सख्त महंगाई का आलम है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। इसके लिए दुआ मांगी कि अल्लाह हम पे रहम कर, जम्मू कश्मीर पर रहम कर, कि हमारे यहाँ जो आतंकवाद उसे ख़त्म कर और हमें फिर से जिंदा रहने की ताकत बाहर, कि हम लोग इज्जत से जिंदा रह सकें, जिंदा चल सकें, और हमारी मुश्किलें और हमारी मुश्किलें जो यात्रा थी वो बहुत ही अहम थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्हें सिर्फ एक ही खबर सबको तक पहुँचाई, एक कि नफरत को छोड़ो और देश को बचाओ। ये बहुत बड़ी मैसेज थी, इसी पर यह रहे। ये नहीं मांगा कि मुझे तख्त दो, मुझे ताज दो, सिर्फ ये कहा कि ए हमारे बनाने वाले हम पे रहम करो कि हम लोग इकट्ठे रह सकें, इकट्ठे चल सकें। वो कोई भी भाषा हो, कोई भी तरीका रहने का हो, हम सब इकट्ठे रहकर चल सकें, उसकी सबसे बड़ी यही थी। एकता तभी होगी जब जो हम में डिफरेंसेस हैं उनको आपको अनेकता में एकता है, हम अनेक अनेकता है बहुत, और उसको एकता में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री भी अपना काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं, रास्ते अलग अलग हैं। डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, पंचकर्म विद कर्म, अग्निकर्म और मर्म, चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज। हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्यवस्ति, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टीकेयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277788। थेरेपी द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन विरेचन, रक्त मोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा, जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज़ अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी।
राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइफ कंसल्ट लेकर आया है आपके लिए। नंबर वन चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज, 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध। साथ ही 2000 रुपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट, मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर। 9929091952।